गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर US फाउंडेशन से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में है। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में है। तो हम लोग देखते हैं कि लीवर क्या था, उसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिया था, जिसमें मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके शेप, साइज, वेट, उसका आर्टेरियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई, इन सारे सब चीज़ को, साथ ही साथ नर्व एंड लिगामेंट के सप्लाई को भी मैंने बता दिया था। तो इस सब चीज़ के बारे में जानकारी के लिए आप लोग पीछे का जो वीडियो मेरा था उसको आप लोग देखें, समझें, उसके बाद ही आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए जो भी वीडियो आप लोग को डाला जाता है, इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें और इसकी स्टडी करें। तो जो पिछले क्लास के बाद हम लोग अब चलते हैं, जो मैंने बताया था लीवर के बारे में, उस लीवर के स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो लीवर मैंने आप लोग को बताया था उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं कि जो लीवर है वो हमारे शरीर में कहाँ पर है। मैं एक डमी में आप लोगों को निकाल कर दिखा रहा हूँ कि लीवर कहाँ पर होता है, उसके बाद हम उस लीवर को के बारे में स्टडी करना चलेंगे। चलिए, तो ये है हमारा एक डमी। ठीक है, इस डमी में जो लीवर है ये आप जो देख रहे हैं, एक रेडिश टाइप का, ये जो डार्क रेड, ये है हमारा लीवर। लीवर के पास में जस्ट है ये हमारा स्टोमक और ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, तो ये लीवर को हम लोग अब निकालते हैं यहाँ से। ठीक, तो ये रहा लीवर, लीवर को हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए, चूंकि ये सील है तो हल्का सा इसको लूज करेंगे। हाँ, ये रहा हमारा लीवर। अब इस लीवर के बारे में हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि ये लीवर किस तरह का होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा लीवर। तो लीवर के बारे में आप लोग विशेष जानकारी के लिए पीछे का जो वीडियो था उसको आप लोग देख ले। आज हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने चलते हैं। तो लीवर क्या कहता है, लीवर का जो स्ट्रक्चर है, द लीवर कंसिस्ट ऑफ फोर लोब्स। जो लीवर होता है वो हमारा चार लोब्स से बना होता है। ठीक है, कितने लोब्स से, चार लोब्स। तो यहां देखें, ये हमारा एक लीवर है जिसमें चार लोब्स होते हैं। ये लिगामेंट होता है जिससे ये लोब्स, इसमें चार लोब्स हो गया। तो वो चार लोब्स कौन कौन है मैं आपको बताता हूं, जिसमें पहला लोब्स है हमारा राइट लोब्स, क्लियर। दूसरा लोब है हमारा लेफ्ट लोब, ठीक है। तीसरा लोब है हमारा क्वाड्रेट लोब एंड चौथा लोब्स है हमारा क्वाड्रेट लोब्स। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राइट लोब और लेफ्ट लोब जो है ये हमारा बड़ा लोब होता है, इसीलिए हम लोग इसके सामने क्या लिख देंगे, लार्ज लोब्स। ठीक है, उसके बाद है क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट जो होता है हमारा स्मॉल लोब्स होता है। तो इसके सामने हम लोग क्या लिख दिए, स्मॉल लोब्स। तो इसमें मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो लोब्स हो है, चार चार कौन कौन लोब्स हैं। तो ये है हमारा राइट लोब, ये हो गया लेफ्ट लोब, ये हो गया हमारा क्वाड्रेट लोब और ये हो गया हमारा क्वाड्रेट लोब। ठीक, क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब, ये चार लोब्स हो गए जिसमें पहला, दूसरा और ये हो गया तीसरा एंड चौथा। ये चार लोब्स से हमारा मेनली लीवर बना हुआ होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर से, द लीवर लोब्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू एट सेगमेंट। ठीक है, अब ये जो चार लोब्स को हम लोगों ने देखा था, ये चार लोब आठ सेगमेंट, आठ भागों में बटा होता है। वो क्या है,
यहाँ देखिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट भाग बीच का, उसके बाद हो गया हमारा यहाँ सेकेंड, ये हो गया थर्ड, उसके बाद फोर। जो फोर होता है हमारा वो दो भागों में बटा होता है, फोर ए एंड फोर बी। ये हो गया हमारा फाइव, ये सिक्स, सेवन, एट। क्लियर। तो हमारा जो लीवर था उसे हम लोगों ने चार भागों में बांटा, उसके बाद वो चार भाग जो था, चार लोब्स जो था, वो आगे आकर के एट सेगमेंट में बट जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस एट सेगमेंट में क्या क्या चीज होता है। तो वो क्या कहता है, विच आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स स्मॉल लोब्स। अब जो ये आठ सेगमेंट था, इसमें ये जो आठों सेगमेंट होता है हजारों लोब्स से मिलकर के बना होता है। क्लियर। जो आठ सेगमेंट है वो हजारों लोब्स से मिलकर के बना होता है। उसके बाद क्या है, दीज लोब्स हैज ए डक्ट। क्या है ये, दीज लोब्स हैव ए डक्ट फॉलोइंग टू वार्ड्स द कॉमन हिपेटिक डक्ट। अब सारे डक्ट जो होता है वो क्या कहला जाता है, कॉमन हिपेटिक डक्ट, विच ड्रेन्स क्या करता है वो बाइल को फॉर्म द लीवर। तो यहाँ पर एक फंक्शन भी हमारा ऐड है कि लीवर जो है बाइल जो बनाता है वो कहाँ से बनाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि लीवर जो है बाइल जो प्रोड्यूस करता है वो हजारों लोब्स मिल करके, ठीक है, क्या कहता है वो, हजारों लोब्स मिल करके हमारे बाइल का फॉर्मेशन करता है। वही बाइल जो है हमारे लीवर के गॉल ब्लैडर में जा करके स्टोर होता है। तो गॉल ब्लैडर जो होता है वो ये है हमारा, ये जो मैंने ब्लैक से मार्क किया ये है हमारा गॉल ब्लैडर। क्लियर। तो इस गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल, बाइल स्टोर होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं उस समय ये बाइल इससे हिपेटिक डक्ट से निकल करके कहाँ मिलता है, हमारे ड्यूओडेनम में जा करके खुलता है और हमारे पाचन क्रिया में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें क्या देखें कि हमारा जो लीवर है वो हजारों लोब्स से मिल करके बना हुआ होता है। वो हजारों लोब्स मिल करके आठ सेगमेंट में बनता है और वो आठ सेगमेंट फिर से मिल करके चार लोब्स बनाता है। जो चार लोब्स होते हैं वो राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब होते हैं, जिसमें राइट और लेफ्ट लोब जो होता है वो लार्ज यानी कि बड़ा लोब्स होता है और क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब जो होता है वो छोटा लोब्स होता है। ये क्लियर। अब हम लोग चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे कि लीवर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये है आपका लीवर। तो इस लीवर को जो हम देख रहे हैं ये हमारा है सामने की तरफ से, यानी कि एंटेरियर साइड। ये जो है हमारा लीवर, ये सामने की तरफ से जो हम लोग देख रहे हैं ये है, ये हुआ हमारा लीवर। ये लीवर हमारे यहाँ पर इस तरह से स्थित होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये जो लीवर होता है ये हमारा हुआ राइट लोब, ये हो गया हमारा लेफ्ट लोब। आप जो ये लाइनिंग देख रहे हैं ये होता है लिगामेंट। तो लिगामेंट जो होता है, ये लिगामेंट हमारे शरीर में दो तरह के होते हैं, दो तरह के कार्य करते हैं। एक लिगामेंट जो होता है वो बोन से बोन को अटैच करता है और एक लिगामेंट जो ऑर्गेन पे होता है वो हमारे ऑर्गेन को कहीं पर भी आराम से स्टेबल रखता है, एक जगह रखने का काम करता है, उसे हम लोग कहते हैं लीवर के लिगामेंट। तो ये जो लिगामेंट आप लोग देख रहे हैं ये हो गया हमारा राइट लोब, राइट लोब, ये लेफ्ट लोब, और इस बीच में जो ये देखते हैं कोरोनरी लिगामेंट, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, लिगामेंट टेरिस,
ये जो होता है हमारा, ये लीवर को इस जगह पर एक जगह पर स्टेबल रखने के लिए लिगामेंट होता है कि ये एक जगह पर स्थित रहे। क्लियर। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं जो छोटा सा नीचे गोल निकला हुआ है, ये है हमारा गॉल ब्लैडर। नीचे की तरफ जो छोटा है वो गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर यहाँ पर आप लोगों को पूरा नहीं दिख रहा, इसलिए क्योंकि गॉल ब्लैडर जो होता है हमारे लीवर के पोस्टेरियर साइड, ठीक है, यानी कि पीछे की तरफ होता है, इसलिए यहाँ पर आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये होगा हमारा एंटेरियर साइड का फोटो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके पोस्टेरियर साइड, यानी कि हम लोगों ने सामने की तरफ देख लिया, अब इसके हम लोग पीछे के साइड मतलब इस तरफ के पास चलते हैं। तो इस तरफ में आते हैं हम लोग, तो जो हमारा लीवर है वो ये है, इसके जस्ट पीछे का हम लोग भाग देखते हैं। तो पीछे के भाग में आप लोग देख रहे हैं कि जो ये गॉल ब्लैडर है ये पूरा क्लियर हमें दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन टाइप का है ये है हमारा गॉल ब्लैडर, और ये आपको पूरा क्लियर दिख रहा है। इसी चीज़ को अब हम लोग यहाँ देखते हैं, तो इस गॉल ब्लैडर का ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल लोब्स क्या करता है, हमारे बाइल को प्रोड्यूस करता है, तो इसमें जितने भी लोब्स होंगे ये सारे लोब्स बाइल को प्रोड्यूस करेंगे, और वो बाइल को प्रोड्यूस करने के बाद ये कॉमन हिपैटिक डक्ट के थ्रू यहाँ पर हमारे गॉल ब्लैडर में आकर के ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जीबी गॉल ब्लैडर में आकर के बाइल स्टोर रहता है। क्लियर। जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना आता है हमारे स्टोमक में, यह हमारा स्टोमक का फोटो, और ये हो गया हमारा डियोडेनम का फोटो। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को डियोडेनम से बताया है, यहाँ पर मैंने स्टोमक बता दिया। तो जो भी फूड पार्टिकल्स आया इसमें वो आने के बाद नीचे गया, नीचे से फिर गया डियोडेनम में, डियोडेनम से यहाँ आया हमारा भोजन। अब ये भोजन जैसे ही यहाँ पर से आएगा तो यहाँ से हमारा बाइल निकल करके उस भोजन के साथ मिक्स हो जाता है, और आगे जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है उस डाइजेशन के प्रोसेस में ये अपना जो रोल होता है निभाना चालू कर देता है। क्लियर। फूड पार्टिकल्स आया तो हम लोग देखते हैं जो डियोडेनम है ये यहाँ पर चार भागों में बटा होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है, कोई पूछता है कि जो हिपैटिक डक्ट होता है वो डियोडेनम के किस पार्ट में खुलता है, तो आपको बोलना होगा जो हिपैटिक डक्ट होता है वो डियोडेनम के सेकेंड पार्ट में खुलता है। तो ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडेनम, इसी में हमारा जो है बाइल से सिक्रिएट होता, बाइल जो है हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडेनम में खुलता है, वहाँ से भोजन में मिलकर के आगे डाइजेशन के प्रोसेस में वो लग जाता है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। क्लियर। मैं एक लाइन में बता देता हूँ, जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लीवर है, जो लीवर बना हुआ है चार लोब से, राइट लेफ्ट क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट, राइट लेफ्ट बड़ा होता है, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट छोटा होता है। अब यही आगे जा कर के हमारा आठ सेगमेंट में बढ़ता है, इस आठ सेगमेंट जो बढ़ता है इसमें हजारों लोब्स होते हैं, वो हजारों लोब्स क्या काम करते हैं हमारे बाइल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और वो बाइल का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे लीवर के गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है, और वहाँ से फिर हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में वो लग जाता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, इसे अच्छे से नोट कर लें।